खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। वाराणसी के बाद मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, साथ ही मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। अजीत सिंह के बाद आरएलडी की कमान जयंत को, जयंत चौधरी बने आरएलडी के अध्यक्ष, कार्यकारिणी की बैठक में जयंत चौधरी को चुना गया अध्यक्ष। भरतपुर के आजाद नगर समेत कई गांव कोरोना मुक्त, इन गांव को सीएम योगी ने लिया है गोद, गांव में अभी तक नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, बीते 24 घंटों में 1,95,685 नए केस आए सामने, 3,496 मरीजों की हुई मौत, 3,26,671 मरीज हुए रिकवर। ऋषिकेश पहुंचे बाबा रामदेव ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क लोगों के साथ सेल्फी लेते दिखे रामदेव, बाबा पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मिर्जापुर में मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, सीएम योगी ने प्लांट का उद्घाटन किया, 55 लाख रुपए की लागत से हुआ है निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ नुवाव गांव पहुंचे। वाराणसी में सीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने लिया जायजा, ड्रोन से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन को महाअभियान के तौर पर चला रही है, जिससे अब संक्रमितों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई। वैक्सीनेशन कराने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को ना तो ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी है और ना ही उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। हालांकि इस समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी सरकारी टीकाकरण केंद्रों को पंजीयन की शुरुआत कर दी, जिससे ग्रामीण और मजदूर वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने में समस्या ना हो। बस्ती में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों को चिन्हित किया गया है, इनकी रिपोर्ट लखनऊ से सीएमओ कार्यालय को मिली है, इनमें से एक महिला मरीज की रविवार को मौत हो गई, एक मरीज का लखनऊ में इलाज चल रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार अब गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। भरतपुर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर, आमबाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की है। यूपी में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला है, बीजेपी विधायक नन गुज्जर किशोर ने अपनी सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिए, वहीं डीएम गाजियाबाद का व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा गया, मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी।
मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाज सेवियों द्वारा संचालित सामूहिक वेज किचन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गरीब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद अचानक से मंत्री कपिल देव अग्रवाल भोजन की क्वालिटी चेक करने के लिए लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनसे बातचीत करने के दौरान सामुदायिक किचन के खाने का लुत्फ उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद कानपुर देहात में भी आज से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। कानपुर देहात के 10 ब्लॉकों के गांव में वैक्सीनेशन अभियान की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई टीमों का गठन कर वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का कार्य शुरू किया। गांव गांव वैक्सीनेशन अभियान के आज पहले दिन करीब एक दर्जन से अधिक गांव का चयन किया गया। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सोनभद्र के डॉक्टर्स अलर्ट हो गए हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल में आई और ईएनटी की ओपीडी खोल दी गई। आजकल के दौरे में दहेज हमारे समाज में अभिशाप बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद गाजियाबाद के सबसे अधिक आबादी वाले गांव सुराने के युवक शादियों में सिर्फ दहेज के रूप में पेड़ पौधे लेकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि वो धीरे धीरे अपने गांव से शुरुआत करते हुए समाज से दहेज प्रथा को खत्म करें। इसी कड़ी में गांव के युवक बल सिंह ने शादी में दहेज के रूप में महज 51 पौधे लेकर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में घरों में नेचुरल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों की जमकर बिक्री हो रही थी। कोरोना की दूसरी की लहर की वजह से हुई ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोग नेचुरल ऑक्सीजन लेने के लिए अपने घरों में अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों की खरीदारी कर रहे हैं। जालौन में ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ शपथ ग्रहण। पंचायत भवन में संपन्न हुआ शपथ ग्रहण। शामली में युवक ने टावर पर चढ़ किया हंगामा। युवक का पत्नी के साथ दो दिन पूर्व हुआ था विवाद। विवाद के बाद पत्नी परिजनों संग चली गई मायके। मानसिक तनाव से आकर युवक चढ़ा टावर पर। मिर्जापुर में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चुनारपुर कल क्षेत्र के पचराव गांव के पास गिर गया। हापुड़ में मतपत्र मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप। पंचायत चुनाव के 26 दिन बाद गांव में मिला मतपत्र। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। आगरा में अज्ञात कारणों से लगी झोपड़ी में आग। भीषण आग में 11 पशुओं की मौत। किसान झुलसा। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। लखनऊ में 6 साल में रह रहे युवक की हत्या। युवक की लाठी से पीट पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते की गई युवक की हत्या। मौके पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम। बिजनौर में दीक्षांत परेड को लेकर पुलिस लाइन ग्राउंड में रिहर्सल। रिक्रूटर की 27 मई को होने वाली दीक्षांत परेड को लेकर रिहर्सल। एसपी नगर ने परेड की सलामी ली। बेटानोड़ा में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश से मुठभेड़। 25,000 का इनामी को गोली लगने से घायल बदमाश से तमंचा बरामद करने लाई थी चंकर। लखीमपुर खीरी में पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। शातिर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र से एक पुजारी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। पुजारी का आरोप है कि जब वो यमुना में नहाने के लिए गए थे तो गांव के ही कुछ युवकों ने उनका विरोध किया। हमीरपुर में जमकर उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। शादी समारोह में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। शादी समारोह में पहुंचे सैकड़ों लोग।
गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाने के कोतवाल निलंबित, एसएसपी ने विश्वजीत सिंह को किया निलंबित, आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने मृतक महिला के पोते को किया गिरफ्तार, पोते ने दादी और चाचा की गोली मारकर कर दी थी हत्या। देवरिया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट, मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दबंगों की गुंडे का वीडियो वायरल, गरीब मजदूर को बेरहमी से पीटा, मवैया चौकी के पास जमकर मजदूर को पीटा। बलिया में सीएमओ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त, सीएमओ ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को किया निलंबित, निलंबित कर दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में खड़ी वैन में अचानक लगी आग, स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी वैन में लगी आग, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। नोएडा पुलिस ने दो शातिर चालबाजों को गिरफ्तार किया, ये लोग नोएडा में जगह जगह पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में बताकर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली क्या करते थे। कानपुर में अमरूद के बाग में मिला युवती का शव, शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप, गांव के ही लोगों पर लगा हत्या का आरोप। फिरोजाबाद के ट्रांसफार्मर से लगी भीषण आग, पास में रखे लकड़ी के कोके में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़े मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंगों ने किशोरी और उसके भाई को पीटा, मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, गाड़ी में बैठे महिलाओं समेत 8 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप बाजार खुलने के समय सुबह 7 बजे से 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहले आवश्यक सेवाओं दूध मीट मछली फल सब्जी की दुकानें खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों के लिए आम जनता को 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए आवाजाही में छूट मिलेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने चंपावत जिला चिकित्सा में कोविड संक्रमित मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की व्यवस्थाओं का हाल जाना, इस दौरान वो जानने का भी प्रयास किया कि उन्हें अस्पताल में कोई परेशानी तो नहीं। बातचीत के दौरान उनसे वादा किया गया कि उन्हें हर संभव सुविधाएं प्रदान की जाएगी, प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल संवाद कर जनता को समर्पित किया, इस मौके पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों के स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज तक प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाले मेडिकल किटों का वितरण जल्दी से जल्दी किया जाए, साथ ही सभी से अपील की गई कि मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। पहाड़ों पर लगातार कोरोना संक्रमण तेज से पांव पसार रहा है, इसको लेकर प्रशासन की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में जितने भी कोविड-19 सेंटर बनाए गए वहां पर भारी मात्रा में अलग अलग राज्यों से प्रवासी लोग अपने अपने घरों की तरह पहाड़ पर लौट रहे हैं। ऋषिकेश भद्रकाली पर बूथ कैंप पर जो कर्मचारी बैठे हैं वे टेस्टिंग कर रहे थे, कुछ कर्मचारी को टेस्ट करना भी नहीं आता था, आनन फानन में किट के द्वारा टेस्ट किया जा रहा था।
रायवाला बूथ पर तैनात सभी कर्मचारियों को आज उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कार्यालय में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब सभी बूथ पर तैनात कर्मचारी पहुंचे तो उप जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला लगा हुआ था, ना तो वहां पर एसडीएम महोदय थे ना ही कोई अधिकारी कार्यालय में मौजूद मिले। वहां पर तैनात सिपाहियों ने सभी कर्मचारियों को वहां के बाहर जाने के लिए कहा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी युवा रोजगार की आस में दूसरे राज्य में चले गए थे, परंतु कोरोना काल में कई बेरोजगार वापस अपने गांव में आ गए। मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवान सब्जी उत्पादन के साथ साथ बागवानी के कार्य में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टिहरी जनपद के विकास खंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल में व्यवसाय बिल्कुल ठप होने के बाद अलगाड़ नदी के किनारे 25 साल पुराने बंजर खेतों में स्वयं के साथ संसाधनों में टमाटर व अनेकों सब्जियों की खेती करना शुरू किया। म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के समुचित इलाज के लिए एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दो टीमें गठित की गई। इन टीमों में ईएनटी, न्यूरो, नेत्र, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन एम्स के डीन प्रोफेसर यूवी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकोमाइकोसिस के 70 पेशेंट भर्ती हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उनको 31 मई तक हटाने का आदेश थे। पौड़ी जनपद के श्रीनगर महिला थाना पुलिस ने एक बार फिर अपनी वर्दी का फर्ज पूरा करते हुए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक चीजें पहुंचाई। थानाध्यक्ष दीक्षा सैनी की अगुवाई में एसआई विजय चौधरी, राखी पवार कांस्टेबल ने उक्त लोगों को गांव जाकर राशन किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री बांटी। काशीपुर के एलजी भट्ट सरकारी अस्पताल में कोविड वार्ड बिना वेंटिलेटर के ही चल रहा था, वेंटिलेटर न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में 20 वार्ड का कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर के लिए डॉक्टर, टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई। कोविड वार्ड के नोडल अधिकारी अजय शंकर कौशिक ने बताया कि वेंटिलेटर बिना टेक्नीशियन सपोर्ट के खुले गए थे जो काम नहीं कर रहे थे। अब वेंटिलेटर को चालू करवाने के लिए कंपनी टेक्नीशियन को बुला रही है। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से साकेत कॉलोनी हरी मिलाप धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में बोल्डर और मलबा आने से तीनों लोग बोल्डर के साथ 300 मीटर गहरी खाई में चौंक गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून में 28 मई को तीरथ सिंह रावत की बैठक, सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। ऋषिकेश में बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों के घेरे में, अपने लव लश्कर के साथ पहुंचे रिसोर्ट, खुलेआम उड़ाई कोरोना के धज्जे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर रतुड़ी सेरा के पास पहाड़ी में भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर सामने आई। पहाड़ों पर सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है और कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। नेपरा के भरपुर पट्टुग्राम बोट में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों, मार्गों आदि का निरीक्षण किया। साथ ही खेतों के नुकसान पर उचित मुआवजा देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के आला अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पानी की लाइन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्गों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खेतों को दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया।
पर्वतीय इलाकों में होने वाले पहाड़ी फलों का स्वाद इस बार फीका। एक तरफ बेमौसम बारिश से फलों को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फलों को मार्केट नहीं मिल पा रहा है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, नैनीताल जनपद के ऐसे इलाके हैं जहां आड़, मानी, पुलम, सेब और आलू का भरपूर उत्पादन होता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पहाड़ी फलों को काफी नुकसान पहुंचा। दस दिनों से बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन के डोज ना आने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से बंद था। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। देहरादून में 17 और ब्लैक फंगस के मरीज मिले। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 118। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने हरकीपुरी पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्थि विसर्जन के लिए अधिकतम 4 लोगों की ही आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग हरिद्वार नहीं आ सकेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर आम और गरीब आदमी का हाल बेहाल। राशन कार्ड धारकों की मदद करने को लेकर सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को फ्री खाद्यान्न दिया जाएगा। उनका कहना है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। चावल में चावल कम, पत्थर ज्यादा नजर आ रहे हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस का काला साया। 24 घंटे में 13 नए मरीज। ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट। बीते 24 घंटे में 1,95,685 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 3,496 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2,071 संक्रमित मामले मिले। वहीं 95 मरीजों ने दम तोड़ा।